सर क्या यूएसपी होगी फिल्म की, क्या आप मानते हैं कि वो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ शायद अपने आप को, एक एक यू नो डायलॉग बड़े फेमस हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर के, जिस तरह की बातचीत आपस में दिखाई है किरदारों के, क्या मेरठ गैंग ऑफ मेरठ या गैंगस्टर में इस तरह का कुछ होगा जो बहुत कैची होगा? हाँ, मैं लाइक अगर मैं बात करूँ अपनी पिक्चर के बारे में, इस पिक्चर के अंदर आपको वो जबरदस्ती के लाइक कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है कि आपको जबरदस्ती वो डायलॉग बोलना है या कहीं गाली देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिचुएशनल सीन में आपने लाइक मैं कुछ गुस्से में हूँ, किसी ने कुछ मुझे बोल दिया, गुस्से में कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो सिचुएशन के हिसाब से मेरे साथ पिक्चर में है। और अच्छे लाइक आपको इसमें कुछ डायलॉग्स अच्छे सुनने को मिलेंगे अभी आपको, और जब पिक्चर आप देखेंगे आगे, ऐसा नहीं है कि लाइक के जबरदस्ती गालियाँ दी हैं या पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन सब कुछ है, लाइक गाने भी अगर हैं तो सिचुएशन सॉन्ग्स हैं मेरी पिक्चर में, तो रॉ फिल्म बेसिकली, और गाने भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं कि ये नहीं कि लाइक आदमी निकला घूमने के लिए वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखा कि आपको एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, कुछ ऐसा नहीं है मेरी पिक्चर के अंदर। सिचुएशन सॉन्ग्स हैं, अच्छा म्यूजिक है, और बस इतना ही मैं बोलूँगा अपनी पिक्चर के बारे में अभी। बाकी जब आप लोग देखेंगे, अभी जब कंप्लीट होगी फिर, और पता चला अभी एडिट चल रहा है मेरी मूवी का। देखो साउंड कम करना थोड़ा। जन गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखना, उसमें एक्ट करना, और उसके बाद एक और फिल्म, यू नो यू कमिंग विद एज अ डायरेक्टर मेरठिया गैंगस्टर, इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि आपको एक फिल्म डायरेक्ट भी करनी है अनुराग से मुलाकात हुई, वासेपुर से आया, उसने बोला लिखो, मैंने लिखा, वासेपुर लिख दिया। उसने बोला क्या करना है तुम्हें, मैंने बोला सर मैं आया हूँ एक्टिंग करने, उसने बोला कौन सा रोल करना है, मैंने कहा डेफिनेट का, उसने कहा ठीक है, ऑडिशन हुआ, उसको पसंद है, मैंने वो रोल कर लिया। उसके बाद वासेपुर रिलीज हुई, मधुर जी के लिए मैडम जी लिखी, मधुर भंडारकर के लिए, PNC के लिए वो मुनिया लिखी, उसके बाद फरदीन खान प्रोडक्शंस के लिए मैंने एक फिल्म लिखी थी अभी फिरौती, उसी दौरान मैंने एक और फिल्म लिखी थी मेरठिया गैंगस्टर, जिसको लेकर मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गया, सारे एक्साइटेड थे, हाँ फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी है, मतलब सबका अपना प्लान चल रहा होता है एकदम से, मेरा वेट तो कर नहीं रहते लोग, तो उनका अपना प्लान चल रहा था, जिसकी वजह से ये फिल्म रुकी। उस टाइम भी ये मैंने डिसाइड किया था कि मेरठिया गैंगस्टर कैसे फिल्म है, या तो मेरे चॉइस के डायरेक्टर्स डायरेक्ट करें जिनके पास टाइम नहीं था, या तो फिर मैं खुद ही डायरेक्ट करूँ। तो जब ये हो गया कि उनके पास टाइम नहीं है, तो मेरा खुद ही हो गया कि मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ। उसके शो भाई से बहुत पुरानी मुलाकात थी मेरी, मैंने शो भाई के साथ डिस्कस किया, तो शो भाई ने बोला कि यार हमें भी करना ही है प्रोडक्शन, तो काम करो, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, उनको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, स्टोरी बहुत पसंद आई, फिर स्टोरी सुनी।